दोस्तों, अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। मुश्किल से 10 और 11 दिन में प्रभु श्री राम की बाल स्वरूप की स्थापना हो जाएगी। देश के कोने कोने से भक्तजन दर्शन हेतु अयोध्या पहुंच रहे हैं, कुछ अपने मित्रगण साथियों के साथ तो कुछ अपने परिवारजनों के साथ, वहीं कुछ अकेले ही निकल पड़े हैं। लेकिन क्या हो जब एक मुस्लिम समुदाय की लड़की प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाए? हिंदू संगठनों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आखिर मुस्लिम कट्टरपंथी इस बात से क्यों खफा है? क्यों यह लोग बौखला गए हैं? और वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि शबनम शेख को अपनी पैदल यात्रा में किन किन भयावह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष ज्ञान चैनल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को सभी हिंदू भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अयोध्या में रामलला के स्वागत हेतु यूं तो सभी धर्म और संप्रदाय में अच्छा खासा उत्साह है। अब तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी राम लहर में शामिल हो चुके हैं। जी हाँ, अभी एक ऐसी ही खबर आ रही है जिसमें कि मुंबई की रहने वाली एक मुस्लिम युवती सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिनका नाम है शबनम शेख। और बताया जा रहा है शबनम शेख मुंबई से अयोध्या राम दर्शन हेतु पैदल ही निकल पड़ी हैं। हिजाब पहने इस मुस्लिम युवती के हाथ में भगवा झंडा देखकर और मुख से जय श्री राम जय हनुमान का नारा सुनकर हर कोई अचरज में पड़ गया है। शबनम शेख एक यूट्यूबर है और जिनका शबनम शेख नाम से ही एक यूट्यूब चैनल है, जिसमें कि वो अपने हिंदू धर्म के प्रति प्रेम को बयां करती है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक मीडिया हाउस की नज़र इस खबर पर है, चाहे वह राष्ट्रीय मीडिया हो या फिर क्षेत्रीय पत्रकार, हर कोई शबनम शेख से मिलकर उनकी पैदल यात्रा के अनुभव को जानने की कोशिश कर रहा है। सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा कर चुकी शबनम शेख को लगभग 800 से 900 किलोमीटर तक की यात्रा करना अभी बाकी है। जब शबनम शेख से पूछा गया कि एक मुस्लिम होकर हिंदू भगवान की आराधना करना और अयोध्या के लिए पैदल यात्रा करने के लिए प्रेरणा कहां से मिली, तब शबनम शेख मुस्कुराते हुए इस बात का जवाब देती है कि संपूर्ण भारत राष्ट्र श्री राम जी की भूमि है। प्रभु श्री राम में मेरी गहरी आस्था है। मैं भगवान राम को अपना आदर्श मानती हूँ। इसके अलावा मैं एक ऐसे परिवेश में पली बड़ी हूँ जहाँ हिंदुज्म का मुझ पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। सेक्युलर माहौल रहा है, हिंदू एरिया में पली बड़ी हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस मुझ पर बहुत ज़्यादा है। बचपन से ही मैंने जो चीज़ें देखी हैं, मेरे परिवार और मेरे आसपास के माहौल ने मुझे मंदिर और मस्जिद के बीच में अंतर करना नहीं सिखाया है। मैं एक सेकुलर माहौल में पली बड़ी हूँ, तो मेरा मानना है कि राम जी हम सभी के भगवान हैं। अपनी इस बात को निरंतर रखते हुए बहन शबनम आगे कहती हैं कि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ। मैंने रामायण, महाभारत कथा और रामलीला बहुत बार देखी, पढ़ी और सुनी है। कुल मिलाकर मैं सनातनी विचारधारा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ। मुझे गर्व है कि मैंने भारत जैसी पवित्र भूमि पर जन्म लिया है और यकीनन मैं खुद को सनातनी मुस्लिम समझती हूँ। खुद को सनातनी मुस्लिम बताने वाली शबनम शेख ने सोशल मीडिया साइट पर देखा है कि अधिकतर पुरुष वर्ग ही पैदल यात्रा या सोलो ट्रिप पर निकलते हैं, किसी महिला को यह काम करते हुए नहीं देखा। तो उन्होंने सोचा कि नारी शक्ति और धार्मिक एकता को प्रदर्शित करने के लिए उन्हें मुंबई से अयोध्या के लिए पैदल ही निकलना चाहिए। और यह पहली बार नहीं है कि शबनम शेख किसी मंदिर की यात्रा पर निकली है, क्योंकि यूट्यूबर शबनम कई बार हिंदू टेम्पल में विजिट कर चुकी हैं। मीडिया रिपोर्टर ने शबनम शेख से पूछा है कि इस पैदल यात्रा के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, तब शबनम शेख इसका जवाब तपाक से देती हैं कि मैं भारत देश में एक मिसाल बनना चाहती हूँ और अपनी पैदल यात्रा से यह संदेश देना चाहती हूँ कि बेटियाँ इस देश में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। शबनम शेख अपना अनुभव साझा करते हुए कहती हैं कि पैदल यात्रा में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि लंबी दूरी तक सड़कों पर चलना, कभी कभी नदी सुनसान पहाड़ों के रास्तों से भी गुजरना होता है जिससे कि पैरों में सूजन आ जाती है। दिन रात कड़ाके की ठंड में चलने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है।
कभी तो इतने बड़े हाईवे पर चलना होता है कि फ्रेश होने या वॉशरूम जाने के लिए आसपास कोई घर या कोई ढाबा तक नहीं मिलता है। महिला होने के नाते कई सारी समस्याएं होती हैं जो मुझे प्रतिदिन सहन करनी होती है, लेकिन जब कभी रिहायशी इलाका आता है तो बहुत सारे मेरे हिंदू सनातनी भाई लोग मुझे सुरक्षा और सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा पुलिस फोर्स से भी सुरक्षा मिल जाती है। देखिए, पुलिस वाले अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। MP के अंदर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप होने के कारण कई लोग बीच रास्ते में मेरे ठहरने और भोजन की उत्तम व्यवस्था कर देते हैं। हिंदू सनातनी भाई बहनों की इस मेहमान नवाजी और आव भगत से या कोई ढाबा तक नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। यही कारण है कि मैं प्रतिदिन 20 से 30 किलोमीटर तक की यात्रा को बहुत अच्छे से पूरा कर पाती हूँ। लेकिन इस मुस्लिम सनातनी बहन को केवल सपोर्ट ही नहीं मिलता, बल्कि कई बार तो विरोध का भी सामना करना पड़ता है। कुछ मुस्लिम लोग शबनम शेख के इस कृत्य से नाखुश नजर आते हैं। वह तो भगवान राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाने लगते हैं। वहीं कुछ राजनीतिक संगठन इस यात्रा में अपना उल्लू सीधा करने में लग जाते हैं। अपने कुछ खराब अनुभवों को शेयर करते हुए शबनम शेख कहती हैं कि अयोध्या में प्रभु श्री राम से मिलने की चाह लेकर मैं पैदल चली जा रही थी और चलते चलते मध्य प्रदेश के भोपाल में पहुंची, तो यहां उनको अपनी यात्रा रोकनी पड़ी और पुलिस प्रशासन से अपेक्षित समर्थन मिला है। शबनम बताती है कि महाराष्ट्र में मेरा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है। वहाँ की पुलिस ने भी मुझे काफ़ी सहयोग प्रदान किया है और सुरक्षा मुहैया कराई है, क्योंकि मालेगांव में कुछ स्थानीय मुसलमान मुझे काले रंग के झंडे दिखाने वाले थे। महाराष्ट्र पुलिस ने संकट को महसूस किया और मुझे एक वाहन में बैठाकर भीड़ से बाहर निकाला, लेकिन यहाँ भोपाल की स्थानीय पुलिस ने मुझे किसी तरह की कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की है। लेकिन यहाँ भोपाल में मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई दुर्घटना मेरे साथ ना घट जाए। रात के समय सुरक्षा प्रदान करने की बजाय मुझे एक थाने से दूसरे थाने में बैठा कर रखा, जहाँ कुछ सनातनी भाइयों ने आकर मेरी रक्षा की और पुलिस प्रशासन को समझाया कि यह बहन एक नेक कार्य करने जा रही है तो कृपया करके समर्थन करें। जहाँ हम सभी को इस मुस्लिम बहन के जज्बे को सलाम करना चाहिए, क्योंकि एक मुस्लिम लड़की का अयोध्या राम मंदिर तक पैदल यात्रा करना सचमुच भारत में धार्मिक और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगा। लेकिन वहीं मुस्लिम वर्ग के कुछ लोग इस बात को लेकर बौखला गए हैं। जब मुस्लिम बहन शबनम शेख श्री राम जी के नारे लगाती है तो कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों के हौसले पस्त हो जाते हैं। कुछ लोग तो शबनम शेख पर नकारात्मक कमेंट्स भी करते हैं, कुछ लोग गालियां देते हैं, जान से मारने की धमकी भी देते हैं, तो कुछ गंदी प्रवृत्ति के लोग बलात्कार तक की धमकी दे देते हैं। लेकिन भगवान राम हनुमान जी को अपने साथ मानकर एक आशावादी नज़रिए के साथ शबनम शेख कहती हैं कि 10% नेगेटिव लोगों पर ध्यान देने की बजाय मैं 90% पॉजिटिव लोगों के प्रोत्साहन को देखूंगी, जिन्होंने हमेशा मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने का काम किया है। पहले मैं अकेली चली थी, लेकिन आज पूरा भारत देश मेरे साथ है। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या महिला तो क्या पुरुष, सभी आज मेरे साथ हैं। दोस्तों, शबनम का लक्ष्य है कि 22 जनवरी से पहले अयोध्या पहुंचे, लेकिन जिस तरीके से इतना मान सम्मान मिल रहा है तो समय पर पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल सा प्रतीत हो रहा है। इतनी सारी परेशानी के बावजूद शबनम शेख निरंतर पैदल चल रही है, लेकिन एक बात तो तय है कि बहन शबनम शेख के इस महाअभियान से जनसाधारण और सनातनी आस्था का जन सैलाब उमड़े। राष्ट्रीय एकता को समर्पित शबनम शेख की इस पैदल यात्रा को हम सभी दिल से सलाम करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट के माध्यम से शबनम बहन के लिए अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। मुस्लिम बहन शबनम शेख के हौसले को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसी ही दुनिया भर की सनातन से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।